सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल टेक्निकल ब्रबू। दोस्तों, Xiaomi ने कुछ टाइम पहले Redmi Note 10 सीरीज को लॉन्च किया था। Redmi Note 10, 10 Pro और 10 Pro Max ये तीन स्मार्टफोन आपको मिले थे। तीनों स्मार्टफोन 4G के साथ आए थे। दोस्तों, आपको पता होगा या फिर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी सीरीज के साथ ग्लोबल मार्केट में Xiaomi ने Redmi Note 10 5G डिवाइस को लॉन्च किया था, जो कि इंडिया के अंदर नहीं आया था। बट दोस्तों, Xiaomi की तरफ से अब ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है, Redmi Note 10 5G स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर आने वाले कुछ ही टाइम में मिल जाएगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन इंडियन BIS पर सपोर्ट कर दिया गया है। साथ में दोस्तों, यही डिवाइस इंडियन IMEI डेटाबेस पर भी सपोर्ट कर दिया गया है, जिससे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर 100% ये मिलने वाला है। तो मैं आपके साथ Redmi Note 10 5G स्मार्टफोन के रिगार्डिंग सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे और क्या प्राइस पर ये इंडिया के अंदर आने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टेड होगी, सो एंड तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसका जो डिजाइन है वो पॉलीकार्बोनेट के साथ ही आएगा, कोई भी आपको ग्लास नहीं मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन होगा, एक्चुअली में प्लास्टिक का डिजाइन, ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ। इसके साथ आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, LED प्लस के साथ Redmi की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस एक IPS LCD पैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी AMOLED पैनल नहीं मिलेगा। Redmi Note 10 4G के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिला था, बट इसमें आपको IPS LCD पैनल ही मिलेगा, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। डिस्प्ले सेंटर पंचोल के साथ आने वाला है। यहां पर आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये डिवाइस मीडियाटेक के चिपसेट के साथ आने वाला है, डायमेंसिटी 700 5G चिपसेट के साथ, जो कि दोस्तों डुअल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों, इस फोन के अंदर आप दो सिम 5G की यूज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। साथ में दोस्तों, ये चिपसेट 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, काफ़ी दमदार होने वाला है। फोन के साथ जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी दमदार होगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा, जो कि MIUI 12 वर्जन पर रन करेगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन का स्टार्टिंग वेरियंट 4GB 64GB होने वाला है। बाकी इसके दो वेरियंट भी आपको मिल सकते हैं, 4GB 128GB और 6GB 128GB, और आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिलने वाला है। और इसके कैमराज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमराज दिए जाएंगे, मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों, सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का पंचोल सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। और इसकी बैटरी के बारे में बात करूं तो ये स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी के साथ आएगा, साथ में चार्जिंग के लिए 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको 3.5mm का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, पेस अनलॉक और आईआर ब्लास्टर फीचर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसकी प्राइस के बारे में बात करूं तो ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में बेस वेरिएंट 4GB 64GB के साथ $199 में गया था। इंडिया प्राइसिंग में कन्वर्ट करें तो इसकी प्राइस होती है 15,000 के लगभग में। दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 13,000 से 14,000 रुपए की प्राइसिंग में आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग 14,000 रुपए की प्राइस में इंडिया के अंदर आ गया तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए एक बेस्ट डील हो सकती है, जो कि अंडर 15,000 में एक 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहोगे। दोस्तों, आप लोग मुझे बताना क्या ये फोन के लिए आप लोग वेट करोगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।